जय माता दी, जय माँ काली, पनवारी वाली काली मैया की जय। आज हम काली माँ के प्रांगण में हैं और आज नवमी का त्यौहार है। जैसा कि आप सभी को पता है, काली माँ के मंदिर में हवन होता है, पूजा होता है, कन्या दान होता है, कन्याओं का भोजन प्रसाद दिया जाता है। तो आज उसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज नवमी का त्यौहार है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ नवमी और दसवीं दुर्गा पूजा जो है हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पहले भी आप लोग लाइव के माध्यम से देख रहे हैं कि जो रामलीला का हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, अद्भुत मंचन हो रहा है। उसका क्या वर्णन करूँ मैं, किन शब्दों में करूँ, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इस वर्ष जो हमारे पूजा समिति के लोगों ने जो अद्भुत कार्य किया है, बिल्कुल ही सराहनीय है और उसके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं। जहाँ चाह न वहाँ राह, वहाँ बैठने लायक जगह नहीं थी, जो कि रामलीला मैदान में इतना मेहनत करके लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसका रामलीला मैदान का निर्माण किया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे गांव की जो काली माँ हैं उनका कृपा अपरंपार है और जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। चलिए आइए आप मेरे साथ अपने गांव के पनवारी की काली माता मंदिर का दर्शन कीजिए। जय माता दी। आइए हम आपको ले चलते हैं माँ काली के मंदिर में। देखिए ये माँ काली का गेट है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। आज नवमी का अद्भुत नज़ारा देखिए, सारे भक्तगण आ चुके हैं। थोड़े ही देर में हवन का कार्यक्रम शुरू हो गया, पाठ का जो रोज का कार्यक्रम होता है उसकी समाप्ति हो गई है। ये देखिए गांव भक्तगण से आया हुआ चंदा, जो कि गांव से सीधा आता है हमारे यहाँ, और चावल कोई देता है, कोई पैसा देता है। ये नीम का पेड़ देखिए, जो ये नीम का पेड़ है 200 साल लगभग पुराना है। जब से काली माँ का मंदिर है, ये किसी को नहीं पता कि कब का माता का मंदिर है, जिसका नव निर्माण हम लोगों ने किया था। ये माँ का मंदिर है, गर्भगृह है, जहाँ पे काली माँ का पिंड स्थापित है, आप देख सकते हैं। और ये कलश स्थापना हुई है, कलश स्थापना जो हम लोग दशहरा जिस दिन शुरू होता है उसी दिन की जाती है काली माता के मंदिर में। और बाकी भक्तगण अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीम का पेड़, जो मैं आप ये नीम का पेड़ 100 साल से ऊपर का है, इसकी जानकारी हमें भी नहीं है कि कब से है और ना ही हमारे पूर्वजों ने बताया है कि ये कब से है। देखिए इसकी टहनियाँ जो भी हैं छत के ऊपर में हैं, इसकी टहनियाँ जो आप देख रहे हैं ये अद्भुत है। इसका कोई ये नहीं है, नीम का पेड़ नीचे और ऊपर छत के ऊपर टहनियाँ। अब आप यहाँ देखेंगे कि मूर्ति जो स्थापना हुई है हमारे काली माँ के मंदिर में, उसका वर्णन गणेश जी, ये लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, इनका भी मूर्ति स्थापना है। सरस्वती माता हैं, इनका भी मूर्ति स्थापना किया गया है। देखिए माता रानी का कितना भव्य मूर्ति स्थापना, ये संतोषी माता हैं। यहाँ उनके बगल में पुनेश्वरी माता का भी मूर्ति स्थापित किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके का। ये राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्ण का भी मूर्ति स्थापित है हमारे मंदिर के प्रांगण में। और काली माँ के 9 रूप का भी आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ के। देखिए शैलपुत्री माता, शैलपुत्री का दर्शन कीजिए आप, बहुत ही भव्य रूप है इनका। और ये देखिए शैलपुत्री माता, जो कि अपने मूर्ति रूप में स्थापित है हमारे यहाँ। और ये देखिए दूसरी माता जो है, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का जो रूप है माता का, उनकी भी मूर्ति स्थापित है हमारे माता के मंदिर में, काली माँ के मंदिर में 9 देवियों का मूर्ति स्थापित है। आप आएंगे 9 देवियों का दर्शन यहाँ पे आपको होगा। देखिए माता का मूर्ति, उसके बाद माँ चंद्रघटा माता का मूर्ति है। ये आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर प्रतिमा है उनकी, वैसे ही अद्भुत लीला भी है। आप उसके बाद देखिए उनके बगल में ही है माँ कुष्मांडा माता, ये माता की ही एक रूप है, इनका भी मूर्ति हमारे यहाँ स्थापित है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है
उनके ही बगल में माँ स्कंद माता का मूर्ति स्थापित है। स्कंद माता का मूर्ति स्थापित है, आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर प्रतिमा है इनका। उन्हीं के बगल में है माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी का भी मूर्ति स्थापित है जो कि अपने झटा घटा चारों तरफ फैला रही हैं। इतनी खूबसूरत है, इतनी हंसते हुए चेहरा में है माता कि क्या इनकी बताएं। माँ कालरात्रि, माँ कालरात्रि हैं, देखिए माँ कालरात्रि की भी मूर्ति हमारे मंदिर के प्रांगण में स्थापित है, इनका भी दर्शन यहाँ आप कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से माता का भव्य रूप है, इतनी सुंदर है। महागौरी, महागौरी माँ महागौरी का भी मूर्ति हमारे माँ काली के प्रांगण में स्थापित है, आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर मूर्ति है, कितना ही सुंदर रूप है इनका जो कि यहाँ स्थापित है। उसके बाद आइए माँ सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री एकदम मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। कितना सुंदर मूर्ति है इनका स्थापित हमारे माता के मंदिर में। उसके बाद आइए जय बजरंग बली, महावीर जी की भी मूर्ति हमारे ही माता के प्रांगण में स्थापित है। आप आएंगे यहाँ पे माता के नौ रूप का, बजरंग बली का, सभी देवताओं का यहाँ आप दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही अद्भुत मंदिर बना हुआ है ये, देखिए यहाँ हवन होती है, हवन की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, हवन होगा, मैं उसकी भी आपको छवि दिखाऊंगा। ये रामानुज चाचा हैं जो लगे हुए हैं प्रसाद और हवन की तैयारी में। ये हमारे पूजा समिति के मनोरंजन मंत्री हैं, वो सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, और ये लोग भक्तगण का जो भी चंदा आया है उसका मिलावर कर रहे हैं। ये अध्यक्ष साहब हैं हमारे समिति के, पूजा समिति के अध्यक्ष साहब हैं, ये भी यहाँ आए हुए हैं, अपना जो भी योगदान है सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हवन सामग्री को घी से मिलाया जा रहा है, यहाँ बहुत ही अद्भुत हवन होता है बंधुओं, क्या बताएं पूरे